क्या आप कोई प्रॉब्लम आ रही है डिफेंस करने में, क्या आपका भी अंडर हैंड सही नहीं हो रहा? क्योंकि ऐसी बहुत सी कमेंट अभी आई हुई है कि अंडर हैंड और फिंगर इसमें हमारी प्रॉब्लम है, और हमारा ये मतलब कहीं ना कहीं इसमें बैलेंस नहीं बन रहा, ठीक है? ऐसी अभी बहुत सारी कमेंट अपने पास, तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अंडर हैंड और फिंगर की कुछ टिप्स, जिससे कि आपका परफेक्शन और आप बॉल को कैसे बैलेंस कर सकते हो या उसको कैसे हैंडल कर सकते हो। तो मैं हूं आनंद, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन दबाओ, वीडियो को आप जल्दी देख सको। तो वीडियो को शुरू करते हैं अब। से पहला कि अंडर हैंड और फिंगर के लिए मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ, जिसको लोग मतलब जो कोई बिगिनर्स होते हैं या जिसने भी गेम स्टार्ट किया है वॉलीबॉल का, उनको नहीं पता होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि देखो, जब भी हम अंडर हैंड लेते हैं तो अंडर हैंड में दो चीज़ें होती हैं। अंडर हैंड जब हमारे चेस्ट, जो चेस्ट पोजीशन है, अगर बॉल इससे नीचे नीचे आता है, यहाँ नीचे नीचे आ रहा है, ये नीचे पूरा, ठीक है? अगर नीचे नीचे आ रहा तो हमें लेना चाहिए क्या, अंडर हैंड। बट अगर चेस्ट से, चेस्ट अपना इससे बॉल ऊपर आ रही है, तो हमें यूज़ करना चाहिए फिंगर, ठीक है? पहले आपको क्लियर करना है कि फिंगर और अंडर हैंड हमें कब यूज़ करना है और किस जगह आएगा। जब आपको क्लियर हो जाएगा, जब आपका अंडर हैंड और फिंगर क्लियर होगा, ठीक है? क्लियर हो गया कि चेस्ट से नीचे नीचे अंडर हैंड, चेस्ट से ऊपर फिंगर, फिंगर, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है। पॉइंट है कि जब भी हम अंडर हैंड का यूज़ करते हैं तो हमें अंडर हैंड को किस तरीके से रखना है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। आपको अपनी बॉडी को बेंड रखना है, ठीक है? और उसके बाद अपने दोनों हाथों को सीधा रखना, ये सीधे होने चाहिए और टाइट होने चाहिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को एक पे रखना और इसको ज्वाइन करना है, ठीक है? एक तो तरीका ये हो गया इसको ज्वाइन करने का। उसके बाद आपको एक हाथ को बंद करना है और दूसरे हाथ से इसको बंद करना, ये दूसरा तरीका हो गया। उसके बाद अगर आपका थोड़ा सा अंडर हैंड जो परफेक्शन हो, अच्छा हो जाए, तो आप किसी भी तरीके से बॉल को रख सकते हो, ठीक है? या आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? कैसे भी, जैसे आपका मन करे आप अपने हाथों को बना सकते हो। उसके बाद आपका, जब भी आप अंडर हैंड लेते हो तो आपको दोनों हाथ, जब आप इसको ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद इसको टाइट करना है। टाइट मतलब इसको फोल्ड नहीं रखना, जैसे कि आप इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे नहीं चलना, इसको टाइट रखो। जितना ज़्यादा इसको टाइट रखोगे बॉल उतना अच्छा ऊपर जाएगा, ठीक है? आप इसको टाइट करके, और ये जो रिस्ट है इससे बॉल, इसको आगे की तरफ खींचना है, जिससे कि आपका जो ये वाला पोर्शन है ये टाइट रहे। देखो, बॉल को ऐसे लिया ऐसे, और इसको पूरा टाइट रखना, ये, और जितना ज़्यादा सीधा और टाइट रहेगा उतनी अच्छी बॉल जाएगी। तो आप इस तरीके से बॉल को पास कर सकते हो। ये आपकी बेसिक टिप्स होती है अंडर हैंड की। पॉइंट है आपका फिंगर। देखो, अंडर हैंड मैंने आपको क्लियर कर दिया, फिंगर को कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है? अपने दोनों हाथों को हरदम टाइट रखना और एक बॉल का आकार देना है इसको, मतलब गोल। आप किसी कटोरी का यूज़ कर सकते हैं, दोनों को रखना, ठीक है? उसके बाद ये दोनों जो फिंगर है इनके बीच में ट्रायंगल बना, फिंगर और थंब के बीच में ट्रायंगल बनना चाहिए और थोड़ा गोल सा होना चाहिए। देखो, आप इसको गोल सा, मतलब गोल रखना है कि बॉल इसके अंदर आए और बाहर जाए। इसको टाइट रखना है और इसको ऊपर की तरफ पुश करना है, ठीक है? इसको जितना आप ऊपर की तरफ पुश करोगे आपका फिंगर उतना अच्छा होगा। आप हो सके वॉल प्रैक्टिस कर लो, वॉल के ऊपर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो इसको ट्रायंगल बनाना, और जब आप बॉल को आगे की तरफ फोर्स लगाओ, ऐसे आगे की तरफ मतलब ऊपर की तरफ लगाना, तो ये जो दोनों पार्ट है इनके बीच में क्या बनता है, स्क्वायर, ठीक है? मतलब ट्रायंगल स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर, ठीक है? इस तरीके से आपको यूज करना। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। पहला तो मैंने आपको बताया कि अंडर हैंड और फिंगर का यूज़ कब करना, उसके बाद अंडर हैंड
कैसे लेना है कैसे, उसके बाद फिंगर कैसे लेना है कैसे उसका यूज़ करना है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट बताइए आपको कैसे लगे, अगर पॉइंट अच्छे लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए, जिसने मतलब अभी गेम स्टार्ट किया, जिसको कुछ चीज़ें पता नहीं है, ठीक है, वो इस तरीके से कर सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, साथ के साथ आपकी कोई भी वॉलीबॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है आनंद भारद्वाज के नाम से, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम होती है। साथ के साथ अपना ब्लॉग चैनल है उसको भी सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर सकते हो, और उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।